हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा रिव्यू। और आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट अवेटेड ब्लॉकबस्टर फिल्म थोर लव एंड थंडर के बारे में, जो कि टाइका वाटिटी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसका शूटिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और उसका हम लोग कुछ सेट इमेजेस लीक हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस पर कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, उसका कन्फर्मेशन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो इस सेट इमेजेस पे हम लोग को दिखाया जाता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि सबसे बड़ा कंफर्मेशन है ये मूवी के लिए, जो कि हम लोग को पहले भी मालूम था कि गार्डियंस ये मूवी में रहेगा। और उसके बाद कुछ ही दिन पहले जेम्स गन ने भी यही बोला था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इज़ ग्रेट हैंड्स ऑफ टाइका वाटिटी। मतलब क्या बोला उन्होंने कि ये जो मूवी है वो अच्छा है, और जो गार्डियंस है वो अच्छा हाथ पे है टाइका वाटिटी के पास। और हमें इमेजेस पे नेबुला को भी दिखाया जाता है, जो कि कैरन गिलन प्ले कर रहे हैं। और उनका जो लुक है एकदम चेंज हो गया, बोलोगे ना इतना अट्रैक्शन हो जाओगे, इतना मस्त लगा आपको देखने के बाद। नेक्स्ट सेट इमेजेस पे हम लोग देख सकते हैं क्रैगलिन एस सेनगन, जो कि जेम्स गन के छोटे भाई हैं। और उनका कैरेक्टर भी पूरा चेंज हो गया, मतलब उनका लुक जो है एकदम ज़बरदस्त है। उसके बाद उनका जो सर पे जो एरो का जो सिंपल है वो वांडू से लिया गया था। लास्ट हम लोग देखे थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, जहाँ पे वांडू मर गया था और सेक्रीफाइस कर दिया क्रिस पैट के लिए, पीटर क्विल के लिए। और उसके बाद जो एरो है वो अभी क्रैगलिन के पास है, और अच्छे से वो एरो को यूटिलाइज करेगा। और मुझे लगता है कि टाइका वाटिटी इस बार और भी बड़ा करने वाले थोर लव एंड थंडर, जो कि उन्होंने पहले भी बोला था। और अभी इन पर नया एक्सपेरिमेंट होगा, और जो कि एक एवेंजर्स 5 का लेवल का फील देगा हम लोग को। इस पर बहुत बड़ा खतरनाक फाइट होगा। और अब हम लोग स्टार लॉर्ड के लुक के ऊपर आ जाए, तो उनका जो लुक है आप क्या बोलोगे, जो गार्डियंस पे था वो तो पूरा चेंज हो गया, और अभी उनका जो ड्रेसअप है और लुक है एकदम स्टार लॉर्ड जैसा ही लग रहा है। मतलब वो एक लॉर्ड है, और उनका एक अच्छा सा बियर्ड भी आया है। लगता है कि वो कॉम्पिटिशन अभी भी वो दोनों ने ख़त्म नहीं किया, जैसे कि स्टार लॉर्ड बोलता है कि मैं भी जिम विम करूँगा, अच्छा अच्छा बॉडी बनाऊँगा। एवेंजर्स एंड गेम पे भी हम लोग देखते हैं कि ये शिप मेरा है, वो दोनों में ऐसे ही बातें करते रहते। और उसके बाद हम लोग को फिर से अभी नया लुक दिखा जाता है थोर का, जो कि एकदम ज़बरदस्त है। और हम लोग फैट थोर दिखाने जाता है, और हम लोग को एक फिट थोर दिखा जाता है, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ फिल्म में प्ले करेंगे। और ये वही मतलब लीड में रहेंगे, लेकिन एकदम ज़बरदस्त। और उनका अभी जो इंस्पिरेशन लिया गया है वो है थंडर स्ट्राइक कॉमिक से लिया गया है। और ये जो अभी जो उनका लुक है वो इसमें से लिया गया, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। और उनका जो ड्रेसअप है और जितने भी कैरेक्टर्स का ड्रेसअप लुक दिखाया गया है, सबका एकदम 80s का फील आ रहा है, एकदम 80s का। मुझे तो बहुत पसंद आया। और थोर का जो नया लुक है उस पर हम लोग देख सकते हैं हेयर भी बहुत बड़े हो गए, बियर्ड भी मतलब थोड़ा छोटे, लेकिन एकदम अलग लुक है। तो क्या बोलूँ, मैं तो वेट नहीं कर सकता मूवी के लिए। और उसके बाद फिर से हमें नया नया ये दिखा जाता है कि गोर का प्लेनेट का भी एक्सप्लेनेशन होगा हम लोग को सेट इमेज पे दिखा जाता है। कास्टिंग अपडेट पे आ जाए तो हम लोग को ये मूवी में ऑलरेडी नेटली पोर्टमैन दिखा जाएगा एज जेम्स फोस्टर, जो कि फीमेल थोर बनने वाला है। उसके बाद एक अमेजिंग एक्टर क्रिस्टन बेल, जो कि मेन विलेन का रोल प्ले करेंगे, गोर द गोड बूचर, नाम सुनते कि बहुत डर लगता है। उसके बाद टेसा थॉम्पसन है ऑलरेडी, जो कि वैल्करी है। उसके बाद डेव बुटिस्टा पे आ जाए तो ड्रैक्स का कैरेक्टर प्ले करेंगे। उसके बाद पॉम क्लेंटन पे आ जाएगा, मैंटिस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। उसके बाद हमें कन्फर्मेशन मिलता है कि जेमी अलेक्जेंड्रिया, जो कि लेडी सिप का कैरेक्टर है, वो भी कुछ ही दिन पहले सिडनी में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद टाइका वाटिटी जो क्रॉक का स्क्रीन प्ले देते हैं वो भी है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग को मीक भी दिखा जाएगा। उसके बाद जेब गोलम भी थोड़ा कन्फर्मेशन है मूवी के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा सस्पेंस है मैट डोनोवन का, उनका कैरेक्टर का मुझे लगता है कि वो एक गॉड रहेगा, गॉड मतलब जो कि गॉड द गॉड बुचर ही उनको मारेगा। मतलब मैट डोनोवन शायद से गॉड का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा में सैम नील भी खुद इंस्टाग्राम में आके कन्फर्म कर रहे हैं कि वो भी रह सकते हैं कि थोर लव एंड थंडर में, और उनका भी शायद से कोई गॉड का कैरेक्टर हो सकता है मुझे जितना लगता है। और याद रखिएगा कि हम लोग को ये जो मियोनियर दिखा जाएगा और लोकी लाएगा दूसरा मल्टीवर्स से, लेकिन उसका भी टॉम हिडलसन का कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन उसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा क्योंकि वही लाएगा मियोनियर दूसरा यूनिवर्स। तो जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा।